पास में ही मंदिर है शंकर भगवान का, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है शिवरात्रि के दिन। वहाँ से निकल चुके हैं और बगल ही एक दुकान है, वहाँ पर हम आए हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदना है। तो देखिए क्या क्या खरीदते हैं। इसको ये पसंद आया इयर रिंग्स, तो मेरे मामा मिल गए जो कि सब्जी खरीद रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। दोस्तों 9:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ स्टोरी राइट करने। मेरी आज की स्टोरी राधा कृष्ण पर है और मुझे आज अपलोड करना है आध्यात्मिक दुनिया चैनल पर। और आप सबके प्यार और विश्वास से मेरे आध्यात्मिक दुनिया चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक्स फॉर दिस गाइज। और ऐसे ही आप मेरा चैनल को सपोर्ट करते रहिए और मेरे ब्लॉग चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए। हाय गाइस, तो मैं स्टोरी लिख रही हूँ अभी। 6:30 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, हमें कुछ लेना है सामान वहाँ से, और हमारी एक साथ इवनिंग वॉक भी हो जाएगी और बहुत सारा मज़ा मस्ती भी करेंगे हम लोग साथ में। हाँ, घूमते हुए टहलते हुए, मौसम भी ठंडा हो चुका है। हाँ, मौसम इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं वहाँ। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा देर पे हम लोग चले पहुँच जाएंगे वहाँ पे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी दुकान है, यहाँ पे गोलगप्पा वाला है, ये हमारे घर का लोकल मार्केट है, पास ही का है एकदम। अभी हमें जस्ट घर से निकले ही हैं। पास में ही मंदिर है शंकर भगवान का, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है शिवरात्रि के दिन। हम लोग टेलर की दुकान में आए हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा कुछ काम था। हम लोग को ना ब्लाउज स्टिच करवाना है मम्मी का, इसलिए हम लोग को टेलर की दुकान में आए हैं। वहाँ से निकल चुके हैं और बगल ही एक दुकान है, वहाँ पे हम लोग आए हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदना है। तो देखिए क्या क्या खरीदते हैं। ये दुकान है, यहाँ पे चूड़ी, बैंगल्स, बहुत सारे शैम्पू, क्रीम, नेल पॉलिश सब मिलता है। यहीं से हम लोग को कुछ इयर रिंग्स वगैरह लेना है। देखिए गाइस, इस दुकान के आस पास में भी बहुत सारी दुकान है, यहाँ पे सब्जी वाला का दुकान है, सब्जी बेचता है लोग, पूरा मार्केट है। यहाँ पे साइकिल्स है, जिसको ये पसंद आया इयर रिंग्स। और क्या लेना है, और इसको एक पाउडर लेना है। प्राइस देखिए, यहाँ पे नाम भी ये नीची है, यहाँ पे लोग ना सुबह रोज मॉर्निंग वॉक पे आते हैं और इवनिंग वॉक पे आते हैं। तो अंदर यहाँ पे एंट्री गेट है इसका, यहाँ पे अंदर जाने का बहुत बड़ा फील्ड है। दुकान से निकल गए हैं हम लोग, को बस साड़ी का फॉल और कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना था, तो हमने ले लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था इसलिए हम लोग जल्दी से ले लिए और दुकान से निकल गए। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, जा रहे हैं। और हम लोग कभी मार्केट में जाएं और अपनी पेट पूजा ना करें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम तो पहले बोल रहे थे कि हम लोग घर जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं, तो देखिए क्या खाते हैं हम लोग। बहुत लोग मिल रहे हैं आज मेरे को, देखिए पापा भी मिल गए मेरे रास्ते में ही, मामा मिले ही थे, अब पापा भी मिल गए। पापा पापा, हम लोग पानी पूरी के स्टॉल पर आए हैं, हम लोग यहाँ पर पानी पूरी खाएँगे। पानी पूरी बहुत मस्त लगती है और आपसे कमेंट में जरूर कहेगा कि किसको किसको पानी पूरी अच्छी लगती है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे खाना। इस अंधेरा काफ़ी हो गया है, लेकिन अभी तो 7:30 ही हो रहे हैं, लेकिन अंधेरा हो गया है और हम लोग जा रहे हैं अपने घर। बस 2-3 मिनट में हम लोग घर अपने पहुंच जाएंगे। फाइनली गाइज, हम लोग अपने घर आ गए हैं और अभी बज रहे हैं 8:00 और उसके बाद से अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और फिर खाना खा के सो जाएंगे। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आप सबको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, गुड नाइट। तो मेरे मामा मिल गए जो कि सब्जी खरीद रहे हैं।